अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SST लैब। आज हम MS वर्ड के एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम टाइटल पेज के बारे में सीखेंगे। टाइटल पेज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बुक का टाइटल पेज है, आपके पास कोई असाइनमेंट है, कोई भी आप थीसिस बना रहे हैं या रिपोर्ट बना रहे हैं, उसका टाइटल पेज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। पे मैं गई, यहाँ पर मैंने शेप उठाई। फॉर एग्जांपल हमने ये शेप उठा ली यहाँ से, तो ठीक हो गया। यहाँ से हमने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, आइडिया के मुताबिक इसको हम थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। इसको यहाँ से घुमाया हमने और इसको यहाँ पर इसको हमने सेट कर दिया। ठीक है, इसको मज़ीद थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अब आप लोगों को जो एरो कीज जो हैं उनको हम सेट करना आना चाहिए। उनको हमने सेट किया एरो कीज के ज़रिए। इसके ऊपर हमने एक और शेप को इंसर्ट कर लिया है Ctrl+C और Ctrl+V से। तो इसको हम जो शेप को है थोड़ा सा पीछे कर देते हैं और नीचे वाली शेप को थोड़ा सा आगे कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, और ये सेट हो गई है यहाँ से। तो इसको हमने थोड़ा सा और मज़ीद सेट करना है। इसको हमने यहाँ से सेट कर लिया, ये वाली जो शेप है वो, इसको भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से सेट कर लिया ताकि आपको दोनों जो शेप है वो ये अच्छे तरीके से एडजस्ट हो जाए आपकी दोनों शेप्स। अब हमने इसको यहाँ से सेट कर लेना है। अब ये जो नीचे वाली शेप है इसको फॉर एग्जांपल हमने ब्लैक कलर दे दिया है, ये ऊपर वाली जो शेप है इसको हमने कोई भी रेड कलर दे दिया है ताकि थोड़ा सा आपको प्रोमिनेंट दोनों शेप्स अलग अलग कलर में आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो यहाँ पर इसकी आउटलाइन को देख लेते हैं। आउटलाइन ख़त्म कर दी है हमने। उसके बाद ये जो हमारा नीचे जो शेप आपको नज़र आ रही है इसको हम थोड़ा सा इफ़ेक्ट दे लेते हैं। शेड इफेक्ट में हम जाएंगे, शेप इफेक्ट में हम जाएंगे, शेडो में जाएंगे हम। ये वाले जो शेडो हमने इसको यहाँ से दे दिया है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टाइटल देना है, तो टाइटल के लिए मैं क्या करूँगी, इंसर्ट में जाकर यहाँ पर वर्ड आर्ट उठा लेते हैं हम। तो यहाँ पर डिफरेंट आपको वर्ड आर्ट शो हो रहे हैं। यहाँ से हम वर्ड आर्ट उठाकर यहाँ पर हमने कोई भी टाइटल राइट कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ टाइटल ऑफ बुक हमने राइट कर दिया है। जो बुक आप बनाने जा रहे हैं उसका यहाँ पर हमने टाइटल देना है। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसको हमने यहाँ से सेट कर लेना है। कोई भी कलर हमने इसको यहाँ पर दे दिया टाइटल ऑफ बुक को। कोई भी एक कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कलर दे सकते हैं। यहाँ ब्लू ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो हमने यहाँ पर ब्लू कलर दे दिया है। इसका साइज हम यहाँ से इंक्रीज करेंगे थोड़ा, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसका जो साइज़ है वो यहाँ से चेंज करेंगे। हमने यहाँ पर 72 कर दिया इसका साइज़। इसके अलावा अगर आप यहाँ से और कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, डिफरेंट तरीक़ों से आप लिख सकते हैं, शेप बनाकर लिख सकते हैं, वर्ड आर्ट के ज़रिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज़ माई बुक। ठीक हो गया, ये मैं वैसे ही आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिस इज़ माई बुक दे दिया, बोल्ड किया इसको। यहाँ से हमने पैराग्राफ इसको अलाइनमेंट इसकी सेंटर में रख ली है, तो ये यहाँ हमारे पास सेंटर में आ गया। ये जो बॉक्स बनाया है इसकी जो आउटलाइन है वो हमने, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट जो है इसके बैकग्राउंड कलर्स जो है वो आप दे सकते हैं। बैकग्राउंड पे आप कलर अगर सेट करना चाह रहे हैं या आप कुछ लगाना चाह रहे हैं तो इस पे हम कर सकते हैं। फिलहाल मैं आइडिया लगाती हूँ कि मैंने फॉर एग्जांपल लाइन लगानी है इसके दरमियान में, तो हम यहाँ पर ऐसे लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन आपने, स्ट्रेट लाइन लेनी है यहाँ से।
तो ये लाइन सेट हो गई। यहाँ से मैंने इसको इसका जो इसकी जो विड्थ थी वो इसको सेट की है, यहाँ पर थोड़ी बोल्ड कर दी है, थोड़ी ज़्यादा कर दी है। तो ये दूसरी लाइन अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ टाइटल के आप टॉप पे और बॉटम पे ऐसे लाइन जो है वो सेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम देखें, हमारा जो टाइटल है वो इधर हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद अब देखिएगा रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, और ताकि हमारी जो भी एडिटिंग है वो नेक्स्ट में भी वही हमारे पास एडिटिंग हो, हमारा टाइम जो है ऐसे सेव हो जाता है। यहाँ पर हमने लिखना है ऑथर नेम। अब आप कोई बुक, कोई भी बुक लिख रहे हैं, ऑथर नेम असाइनमेंट है, अगर आपने उसमें अपना नेम लिखना है, अगर आपने बुक लिखी है कोई तो आप उसमें ऑथर नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑथर नेम लिखना है, कोई भी जो भी बुक का ऑथर होगा। फॉर एग्जांपल आप राइट कर रहे हैं बुक, तो आप अपना नेम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। उसका साइज जो है थोड़ा हम कम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं यहाँ से। तो ये वाला स्टाइल हम ले लेते हैं इसका, और इसको यहाँ पर हमने जाकर जरा स्टाइल जो है इसका थोड़ा चेंज कर दिया है। तो यहाँ से मैं ये वाला स्टाइल ले लेते हैं हम, ब्रिकहाउस वाला, ठीक है। ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने जो साइज लेना है, जो आपने एडिटिंग करनी है, जो स्टाइल आपने लेना हो, आप वो यहाँ से कर सकते हैं उसको इजीली। आप यहाँ से इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो हम चेंज कर देते हैं। ये वाला कलर ले लिया है, इसकी जो आउटलाइन कलर होता है, आउटलाइन कलर जो है इसका वो हम ये नहीं रखते, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। कीबोर्ड की मदद से आप टेक्स्ट साइज जो है वो आप एरो से आप जो है वो इसका जो साइज है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल सी करके वी किया, तो यहाँ पर हम इसकी क्वालिफिकेशन हमने राइट करनी है। फॉर एग्जांपल वो बंदा एमफिल है जो बुक राइट कर रहा है, तो हम एमफिल फाइनेंस राइट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमने राइट कर दिया एमफिल फाइनेंस। आप इसको टेक्स्ट का साइज आपने यहाँ से कम किया क्लोज ब्रैकेट से, इस तरह से ये आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इकट्ठा सिलेक्ट आपने इसको यहाँ से करना है, थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं। इसका कलर हमने जो है वो ब्लैक कर दिया, ठीक हो गया। तो होम पे हम जाते हैं, यहाँ से इसका जो मेरे पास ऑथर नेम है वही सॉरी स्टाइल है जो वो है वो चेंज कर लेते हैं। ऑथर नेम का जो था उसके बाद इसके आप पब्लिशर लिखना चाह रहे हैं तो पब्लिशर भी राइट कर सकते हैं। इसको हमने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर हमने इसको एबीसी पब्लिशर, फॉर एग्जांपल हम एबीसी पब्लिशर लिख लेते हैं। यहाँ पर आपने पब्लिशर का नेम राइट करना है, असाइनमेंट है तो यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम राइट कर दें। अगर आप असाइनमेंट का टाइटल पेज बना रहे हैं तो यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम राइट करना है। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। अब बैकग्राउंड कलर जो है इसका है वो चेंज कर दिया हमने, बॉक्स को थोड़ा हमने छोटा कर लिया है। ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक करना है, जैसे आपको सूटेबल लगे आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कुछ राइट भी करना चाहते हैं तो राइट भी कर सकते हैं, कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज भी लगा सकते हैं। तो कोई पिक्चर लगाने के लिए यहाँ से हम नेट पे जाते हैं, गूगल ओपन करेंगे, उसके बाद गूगल के अंदर हम राइट करेंगे कंप्यूटर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर फाइनेंस की बुक हमने राइट की है, उसका टाइटल बना रहे हैं, तो फाइनेंस राइट किया है, एंटर दबा दें। उसके बाद आप इमेजेस में चले जाएं, यहाँ से आप कोई भी इमेज उठा लें। तो यहाँ पर आपके
के पास फाइनेंस से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड डिफरेंट पिक्चर्स शो हो रही है। आपने जो भी इमेज आपको अच्छी लग रही है आप यहाँ से ले रहे हैं, आप इमेज बना भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली इमेज लेनी है तो इसको मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। इसकी प्रोसेसिंग जैसे ही कंप्लीट हो जाती है इसको मैंने सेव इमेज एज डेस्कटॉप के ऊपर इसको सेव कर लिया मैंने। ये मेरी इमेज जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गई है। अब मैं एमएस वर्ड पर जाकर यहीं पर इंसर्ट इमेज जाती हूँ। डेस्कटॉप पे हमने यहाँ से देखना है, डेस्कटॉप पे सेव की थी तो ये डेस्कटॉप पे हमारे पास ये पिक्चर है। इमेज उठाई और इसको मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिया तो ये मेरी इमेज एमएस वर्ड के पेज के अंदर आ गई है। अब इसको मैं यहाँ से इसका जो डिफॉल्ट हमारे पास राइटिंग है वो इसको हमने चेंज करनी है तो इसको हमने यहाँ से सेट कर लिया यहाँ पर। अब इसी इमेज को हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया इसका साइज, और इसके अलावा हम क्या करते हैं यहाँ से इसकी सेटिंग कर देते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेट पर जाकर इसको जैसी आपको शेप रिक्वायर हो आप ये जो है हमने यहाँ से सेट कर लिया। इसी तरीके से और कोई इमेज है आप यहाँ पर लगा सकते हैं, डिफरेंट आप इमेजेस यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ करते हैं, यहाँ से हमने शेप उठाई ये वाली, इसको हमने यहाँ पर बना दिया। अब मेरी शेप क्योंकि गोल है, इसको सही एडजस्ट करने के लिए हाइट और विड्थ यहाँ पर होते, फॉर एग्जांपल ऐसे है तो यहाँ से आप इसकी हाइट और विड्थ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने 2 किया, यहाँ से एग्जैक्ट हो जाएगी बिल्कुल ये साइज में जाकर यहाँ से आपने करना है। इसके बाद ये आपकी एग्जैक्ट हो गया साइज, इसको ऐसे कर दिया है हमने यहाँ से और उसकी मदद से। यहाँ से मैं इसको कॉर्नर में लगाना चाह रही हूँ, मैंने इसको कॉर्नर में लगाया, इसको थोड़ा सा साइज इसका इंक्रीज किया और यहाँ इसको कॉर्नर पे हमने सेट कर दिया। इसी तरीके से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी किया तो ये इसके ऊपर पेस्ट हो गई। ठीक है, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि ये जो मैंने लगाई है इसके कलर चेंज कर देंगे। जैसे हमने इस शेप का कलर किया था सेम उसी तरह शेप का हमने अलग अलग कलर देना है दोनों का। फर्स्ट वाली शेप में जैसे हमने दिया था सेम ऐसे करना है जैसे हमने ट्रायंगल में किया था। तो इसका कलर हमने यहाँ से चेंज कर दिया है, ये हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया है, डिफरेंट कलर्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर दे देती हूँ, आउटलाइन नो कर दिया है हमने यहाँ से। इस तरह इसको थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं, इसको इसकी सेटिंग करते हैं यहाँ से, एडजस्ट करते हैं इसको थोड़ा सा। एरो कीज के जरिए आप इनको कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ से कंट्रोल सी करते हैं, यहाँ पर आ गया तो इसको आप कुछ भी लिखते हैं। ए बी सी मैंने लिखा और इसको यहाँ पर हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया बॉक्स को और इसको हम यहाँ पर ले आए और एरो कीज के जरिए इसको सेट कर लिया हमने। कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर जो है वो हम वाइट कर देते हैं और बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो पेज है वो बन गया है। इसके अलावा अगर आप कुछ और अगर यहाँ पर राइट करना चाहते हैं, कंट्रोल वी किया और यहाँ पर इसको लगाया, इसको हमने ऐसे किया, यहाँ पर हमने लिखा Only for sale in Pakistan. यानी मैं ये जो बुक है वो सिर्फ पाकिस्तान में ही सेल करनी है तो मैंने ये यहाँ पर राइट कर लिया, एडजस्ट किया पहले इसको। यहाँ से हमने इसको सेट किया, थोड़ा सा मैंने इसको सेट किया, यहाँ से एडजस्ट करना है आपने खुद माउस की मदद से।
अगर आप इसको थोड़ा सा मुश्किल काम है, इस थोड़ा सा माउस, अगर माउस एक्सपर्ट हैं या माउस चला सकते हैं, तो इसकी सेटिंग आप जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। इसकी सेटिंग हम ख़त्म कर देते हैं, नो फिल कर देते हैं, ये हो गया, और टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर देते हैं, यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। इस तरह से ये आपका एक टाइटल पेज जो है वो बन गया है। आप अपना टाइटल पेज जो है इजीली बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कोई लोगो वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप लोगो भी लगा सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई भी लोगो है आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे ये टाइटल हमारे पास आ जाता है, ये टाइटल है, तो हम बुक का टाइटल भी लिख सकते हैं। फाइनेंस की बुक है या किसी भी इसकी बुक है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर राइट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस। फॉर एग्जाम्पल ये बुक का नेम है, क्योंकि नेम थोड़ा बड़ा है तो इसका टेक्स्ट साइज जो है वो हम होम पे जाके कम कर देते हैं। जो यहाँ पर एडजस्टेबल साइज है वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो ये जो हमारा टैक्स यहाँ पर आ गया है, या अगर मैं इसको करती हूँ 45, आप इस तरह भी कर सकते हैं, इसको हम 40 भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी सकते हैं, ये आप कम भी कर सकते हैं, ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके अलावा आप बैकग्राउंड पे कलरिंग वगैरह भी कर सकते हैं, बॉक्स लगाकर कलर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर देखें, इंसर्ट में गए, यहाँ से मैंने एक शेप उठाई और उस शेप को मैंने इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। अब इसको मैं राइट क्लिक करके ब्रिंग टू बैक, इस पे क्लिक करेंगे, ब्रिंग टू बैक पर। अब इसका जूम यहाँ से थोड़ा सा कम कर देंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, ये एडजस्ट हो गया। अब मैं इसके अंदर डिफरेंट कलर्स जो हैं वो, कोई भी पिक्चर जो है, टेक्सचर जो है वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। कोई भी इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने ये इंसर्ट करना, ये इसके नीचे इंसर्ट हो गया है। अब इसको यहाँ से हम, ताकि इसका बैकग्राउंड नजर आए, नो फिल किया। इस तरह आप अपना टाइटल पेज जो है वो सेट कर सकते हैं, और इसकी जो आउटलाइन है वो भी, आउटलाइन इसकी नो बॉर्डर कर देते हैं। ये हमारे पास खत्म हो गई। ये इस तरह जो है आपका जो टाइटल पेज है वो ठीक हो बन गया है आपके पास। इस तरह से आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टाइटल पेज बना सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने टाइटल पेज बनाना सीखा। आई होप आपने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आप मजीद इस तरह के लेक्चर चाहते हैं तो प्लीज़ आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।